हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 41, और चैप्टर नंबर 41 में हमें पढ़ना है मेडिकल टर्म्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, अनस्क्रैम्बल वर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं, आपको यहाँ पे करेक्ट मेडिकल टर्म लिखना है। ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यून टू प्रोवाइड डिजीज, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन। क्या बोलते हैं, वैक्सीन। देखिए, वैक्सीन आपको लगी हुई थी कब, कोरोना के टाइम में, कोरोना बीमारी जब आई थी, ठीक है, कोविड-19। देखिए, कोविड-19 बीमारी का नाम था, और जो कोरोना था ये वायरस का नाम था, तो ये ध्यान रखिएगा, ये वायरस का नाम था। तो इसके लिए हम लोग को दवाइयाँ कौन सी लगी थी, कोविडशील्ड, कोविडशील्ड लगी थी, कोवैक्सीन लगी थी। अब प्रॉब्लम ये है कि 2024 में क्या बताया गया कि कोविडशील्ड जो जिन लोगों ने लगवा रखी है उनसे बहुत ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन अ बॉडी दैट कंट्रोल द रेगुलेट द एक्टिविटी सर्टेन सेल्स ऑर्गन इज नोन एज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। जैसे देखिए, हमारे गले पे एक होती है थायराइड ग्लैंड, अगर ये बहुत ज़्यादा सूज जाती है तो क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है, और पोटेशियम और आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। और साथ ही साथ अगर आपका जो थायराइड ग्लैंड है इसमें बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपर थायरॉयडिज्म बोलते हैं, उसे हाइपर थायरॉयडिज्म बोलते हैं। और ये चीज़ और है कि जो आप नमक खाते हैं, NaCl, जो आपका नमक खाते हैं उसका फॉर्मूला होता है NaCl, लेकिन इसमें आयोडीन आता कहाँ से, तो इसमें मिलाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। अगला है थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ए स्वेलन एरिया विद इन बॉडी टिश्यू। देखिए, बॉडी टिश्यू पे कभी कभी आपके इस तरीके से फुंसी टाइप का हो जाता है, फोड़े टाइप के हो जाते हैं, तो एक्यूमुलेशन ऑफ द पस, तो यहाँ पे पस इकट्ठा हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते थे एब्सेस। क्या बोलते हैं, एब्सेस, ABSCES एब्सेस, कील मुहासे इस टाइप के होते हैं। ए टाइप ऑफ फैट प्रोड्यूस इन लीवर ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड, तो ये जो फैट है, फैट प्रोड्यूस होता है लीवर से और ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, तो इसमें क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपको हार्ट डिजीज बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। थर्ड नंबर, ए सिम्टम दैट अकर्स वेन देयर इज एक्सेस सिक्रेशन ऑफ एसिड इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक इज नोन एज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं, एसिडिटी। और एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या खाते हैं, एंटा एसिड खाते हैं, एंटा एसिड दवा लेते हैं। और इसमें क्या होता है, तो देखिए, एंटा एसिड आपका बेसिक नेचर का होता है, और इसमें क्या होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे आते हैं सिक्स नंबर। देखिए, यहाँ पे ही जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे कभी कभी जो गाड़ियाँ हैं वो कभी कभी स्टार्ट हो जाए, तो बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अगला है सिक्स नंबर क्वेश्चन, ए टेक्निक दैट यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रेडियो वेव्स एंड कंप्यूटर प्रोड्यूस इमेज इंटरनल बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसे हम बोलते हैं MRI। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो ये आपके बॉडी में बहुत सारी तरीके की जो आपकी चीज़ें होती हैं उसमें ये शुरू की जाती है, और यहाँ पे मैग्नेटिक और एक्सरेज आपकी यूज़ की जाती हैं। जैसे कि आप CT स्कैन भी सुने होंगे, CT स्कैन में आपका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसमें एक्सरेज की यूज़ की जाती है, और आपकी इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर की जो फोटोज़ होती हैं वो ली जाती हैं, और बीमारी को डायग्नोज किया जाता है यहाँ पे। अगला है सेवन नंबर, ए सेंसिटिविटी दैट इम्यून सिस्टम टू स्पेसिफिक सब्सटेंस सच एज पोलन फूड और हाउस डस्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं, ALERGY, एलर्जी। एट नंबर, ए लाइफ सेविंग मशीन डिजाइन टू मूव ब्रीदेबल एयर इनटू आउट ऑफ लंग्स टू प्रोवाइड ब्रीदिंग फॉर पेशेंट हु फिजिकली अनेबल टू ब्रीद, तो देखिए, जब व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है और एक मशीन के ऊपर वो जिंदा रहता है, तो वो कौन सी मशीन है, वो आपकी वेंटिलेटर। क्या है, वेंटिलेटर। अगला नाइन नंबर, द कंक्रीशन ऑफ मिनरल्स ऑफन कॉल्ड स्टोन्स फॉर्म्ड इन द किडनी गाल ब्लैडर और अदर ऑर्गन्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कैलकली। क्या बोलते हैं, कैलकली। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और दो किडनी होती है हमारे पास, आपको पता होगा दो किडनी होती हैं, और किडनी क्या करता है, हमारे ब्लड को प्योर करने का काम करता है। टेन नंबर, ए लाइट सेंसिटिव लेयर एट बैक ऑफ द आई बॉल दैट कन्वर्ट्स विजुअल इमेज इनटू सिग्नल्स टू द ब्रेन इंटरप्रेट, तो देखिए, जो इमेज बनता है हमारी आंखों पे वो कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना से।
और रेटिना पे जो यहाँ पे कुछ नर्व्स होती हैं, नर्व्स हमारे दिमाग पे जाती हैं, तो जो चीज़ें यहाँ पे छपती हैं वो हमें पता चल जाती है। और देखिए हमारे जो रेटिना होता है इस पे जो इमेज बनता है वो रियल और इन्वर्टेड बने, यानी कि इमेज उल्टा बनता है, लेकिन हमारे ब्रेन तक जब ये सेल्स इन्फॉर्मेशन जाती है तो हमारा ब्रेन उसे क्या करता है, सीधा करके देख लेता है। ठीक है, अगला है 11 नंबर, द एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू सेल्स और फ्लूड्स फ्रॉम बॉडी इन ऑर्डर टू डिस्कवर द प्रेजेंस एंड कॉज ऑफ डिजीज़। तो कौन सी डिजीज़ है, जैसे कि जब टिश्यू का एग्जामिनेशन किया जाता है सेल्स का, फ्लूड का, बॉडी के अंदर बीमारी को खोजने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोप्सी बोलते हैं। बायोप्सी, बायोप्सी में होता क्या है कि आपके बॉडी के छोटे से एलिमेंट्स को रिमूव करके उसे भेजा जाता है चेकअप के लिए, तो उसी को हम कहते हैं बायोप्सी। जैसे कैंसर हो जाता है तो उसमें आपकी सेल्स जो होती हैं या आपके टिश्यूज होते हैं उनको चेक किया जाता है, तो उसे कहते हैं बायोप्सी। ए प्रोसीजर टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस फ्लूड फ्रॉम द ब्लड व्हेन किडनी स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। देखिए जब आपकी किडनी काम करना बंद कर देती है तो हम किस चीज़ के सहारे अपने ब्लड में जो इम्प्योरिटीज हैं उसको साफ करते हैं, तो वो होता है आपका डायलिसिस मशीन के द्वारा, डायलिसिस मशीन के द्वारा। तो दोस्त यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है, और साथ ही साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।